वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। पिछले लेसन में आपने देखा था कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर को जो डिफाइन करते हैं ग्रुप के अंदर, लिस्ट ऑफ ग्रुप जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, और हर ग्रुप के बारे में आपको मैंने बताया था कि कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर आपका डिफाइन होगा, किस तरीके से ग्रुप का नेचर क्या है। अब हम बात करते हैं आगे वाउचर एंट्री के बारे में। वाउचर एंट्री कितने टाइप की होती है, तो हम यहाँ पर जैसे वाउचर एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे वी से वाउचर। ठीक है, ये देखिए वाउचर एंट्री एक आपकी होती है काउंटर वाउचर एंट्री, हर एक के बारे में आपको बताता हूँ एक ही करके। एक रिसिप्ट एंट्री, जर्नल, सेल, परचेज एंड अदर वाउचर्स। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो नॉर्मल वाउचर एंट्री होती है रिसिप्ट और पेमेंट एंट्री। इसके अंदर अगर आपको जैसे कि ये आपके ऑप्शन आ रही है ना, इस ऑप्शन के अंदर भी आपके पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको तो ये देखिए डेट पीरियड, डेट के अंदर आपकी कंपनी के अंदर आपकी आ रही है कंपनी सिलेक्ट कंपनी शट कंपनी। ठीक है, यानी कि कंपनी को दूसरी कंपनी चूज़ करनी है और इस कंपनी को क्लोज करनी है। उसके बाद कॉन्ट्रा, पेरोल भी आपको इसी के अंदर बताएंगे कि पेरोल कैसे बनता है। यहीं पे आपकी आती है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्रेडिट नोट। ठीक है, यहाँ पर आपकी आ रही है पेमेंट की, यहाँ पेमेंट ऑलरेडी आपकी है। ठीक है, पेमेंट के अंदर डेबिट नोट, इसी तरह ये ऑप्शन आ रही है जनरल, और इसका शॉर्टकट की भी है आपकी, ये जो आ रही है ना F7, ये आपका ये जो ये Alt F7 है और ये आपका कंट्रोल Alt 7, Alt कंट्रोल प्लस Alt F7। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट की से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी अभी हम जनरल में पहुँचे, अभी हम इसी तरह सेल्स के अंदर देखेंगे। सेल्स के अंदर ये आपकी आ रही है सेल्स डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर। इसी तरह आपकी परचेज के अंदर आ रही है आपकी परचेज रिसिप्ट नोट, परचेज ऑर्डर एंड और जी लास्ट वन इज़ अदर वाउचर। ठीक है, अदर्स वाउचर्स, अदर्स वाउचर के अंदर जैसे कि आपने कोई जो भी आपने चूज़ करने वाउचर्स, आप यहाँ से वाउचर्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब की शॉर्टकट सीरीज भी आपके सामने है, जो कि आपके सामने दिखा रहे हैं F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। अब हम सब नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेसन में बताया था कि मैंने एक लैपटॉप परचेज किया है, तो जो मैंने आपको शॉर्ट एक मेथड बताया था परचेज के अंदर कि डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोस आउट, ये रूल एप्लीकेबल होता है। हमारे पास क्या आया है लैपटॉप। ठीक है, और लैपटॉप मैंने जो परचेज किया है वो PNB से परचेज किया, मैंने PNB का लेजर पिछले लेसन में आपका क्रिएट किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने पेमेंट यहाँ पर मैंने एंट्री करनी है लैपटॉप की, तो यहाँ पर ऊपर टॉप में आ रहा है आपका पेमेंट के अंदर कि आपने कैश या बैंक से पेमेंट किया है। सी से देखेंगे तो ये रहा कैश, और बैंक से करेंगे तो ये रहा आपका PNB। मैंने PNB अकाउंट से पेमेंट किए और क्या किसको क्या किसके लिए पेमेंट किया, लैपटॉप परचेज करने के लिए। ठीक है, और ये कितने का है, 40,000। ओके, एंड ये वाया चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर हम दे सकते हैं कि चेक नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेक नंबर। एंड यहाँ पे आप डेट डालेंगे या जो भी नरेशन आपने डालनी है वो डाल सकते हैं। पिंक अमाउंट ऑफ चेक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे टू ABC ट्रेडिंग कंपनी अगेंस्ट बिल नंबर 01। ओके, और ये एंटर करके ये आपकी एंट्री सेव हो गई। इसका क्या इफेक्ट होगा, मेरे बैंक अकाउंट 40,000 से कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और मैं लैपटॉप जो मेरा फिक्स एसेट्स है वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेगा। कैसे शो करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक एंट्री का मैं आपको वो बताऊँगा कि हर एक एंट्री का कैसे फीचर शो होगा। ये देखिए करंट एसेट्स के अंदर में गया बैंक अकाउंट, ये देखिए 40,000 PNB के अंदर, ये देखिए ये आ रहा है आपका करंट टोटल 40,000, 40,000 ये आ रहा है आपका क्रेडिट साइड के अंदर, यानी कि माइनस में 40,000 आपका PNB के अंदर माइनस में आ रहा है 40,000। ठीक है, अब हम दूसरे फैक्ट देखते हैं इसका, क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम होता है तभी हमारा ये देखिए 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट मैच करेगा। दूसरा फैक्ट आपका सेकंड फैक्ट आ रहा है फिक्स एसेट्स का, यानी कि मेरे पास एक लैपटॉप है, ये देखिए लैपटॉप 40,000 का। ठीक, तो आप बैलेंस शीट्स के अंदर इसका, क्योंकि मेरी फिक्स एसेट है इसलिए इसका P&L में कोई इफेक्ट नहीं आया, ये देखिए P&L अभी ब्लैंक है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये है मेरी एंट्री। मैं एक और एंट्री
लेके आता हूँ। जैसे कि मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख की, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वाउचर एंट्री रिसिप्ट में मैंने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया है पीएनबी अकाउंट में, ठीक 1 लाख। और जो मैंने डिपॉजिट किए हैं वो मैंने किए कैपिटल की शेप में, कैपिटल यहाँ पे नहीं आई तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ पे लेजर अकाउंट में जाके क्रिएट करूँगा अकाउंट मास्टर के अंदर। यहाँ पर भी आप शॉर्टकट की से आप क्रिएट कर सकते हैं आर सी के थ्रू। आर सी यहाँ पे प्रेस कीजिए, ये देखिए लेजर अकाउंट क्रिएट हो गया। सेम वही आपका, ये देखिए लेजर क्रिएट क्रिएशन आ गई, सेम वही आपकी विंडो आ गई जो कि हमने पहले पिछले लेसन के अंदर क्रिएट की थी। तो यहाँ पे हम करेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक एंटर। और ये देखिए आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप, ये देखिए कैपिटल ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, ठीक। कितना मैंने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 1 लाख रुपीज़, यानी कि मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं पीएनबी बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेशन भी लिख दूँगा, बीइंग अमाउंट ऑफ चेक नंबर डिपॉजिटेड, ठीक है एंड एंटर, ठीक है। अब इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया वापस मैं बैलेंस शीट में, क्या कैपिटल अकाउंट, ये देखिए मेरे पास 1 लाख से आ गई। सबसे पहले आप नीचे देखिए, नीचे आपका देखिए टोटल मैच कर रहा है ड्यूल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि एक इफेक्ट डेबिट में आ रहा है, एक इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। तो 1 लाख रुपीज़ मेरा क्या इन्वेस्टमेंट में आएगा क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। यानी कि मैंने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपये, और करंट एसेट्स के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए 1 लाख रुपये आपका ये आ गया कैपिटल अकाउंट। और उसमें से 40,000 मैंने लैपटॉप के लिए पे कर दी, यानी कि बैलेंस अमाउंट जो बचा हुआ 60,000 डेबिट, यानी इस साइड में देखिए डेबिट की साइड में, तो यानी कि ये डेबिट बैलेंस है 60,000। तो आपको लेजर देखने का तरीका भी आपको समझ में आ गया। तो ये आपका लेजर देखने का तरीका है, यानी कि पीएनबी बैंक अकाउंट के अंदर अब जो बैलेंस है 60,000 है। बैंक रिको भी आपको मैं बताऊँगा कि बैंक रिको कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। अब हम बात करते हैं एक और एंट्री अगर आपने पास करना चाहते हैं तो आप पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पास की, एक वाउचर एंट्री, दोबारा वी में प्रेस करूँगा वाउचर एंट्री। अब मैंने क्या किया, मैंने कैश पे किया है स्टाफ वेलफेयर, यानी कि मैं चाय कॉफ़ी का पेमेंट किया 100 रुपीज़ की। तो मैं क्या करूँ, एस टी नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे वापस आर सी में जाएंगे, एस टी ए डबल एफ वेलफेयर, ठीक है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ठीक। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये मेरा कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये मेरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा, ठीक। मैं ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा एक एक करके कि इन सब का क्या रोल्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितने का 100 रुपीज़ का पे किया, 100 रुपीज़ मैंने यहाँ पर प्रेस किया, बीइंग अमाउंट पेड, ओके बीइंग अमाउंट पेड टुवार्ड्स टी एक्सपेंसेस, ओके। तो ये अब आ गया मेरा कैश की एंट्री। मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, बैलेंस शीट में जाके मैं इफेक्ट देखता हूँ। कैपिटल अकाउंट मेरा वही 1 लाख है जो मैंने 1 लाख 1 लाख डिपॉजिट किया है। फिक्स एसेट मेरा 40,000 हुआ है, वही लैपटॉप जो मैंने परचेज किया था। करंट एसेट्स में गया 60,000 मेरा क्या है बैंक अकाउंट, 1 लाख मैंने डिपॉजिट किया था, इंट्रोड्यूस किया मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और लैपटॉप उसके अगेंस्ट में मैंने 40,000 परचेज किया है। और ये 100 रुपीज़ मेरा कैश इन हैंड जो आ रहा है, ये आपका आ रहा है डेबिट बैलेंस, ठीक है। और सॉरी रिसिप्ट भी किया है मैंने, गलत कर दिया। तो कैसे करना है, मैं एंटर करूँगा और वहाँ पे आके आपको चेंज कर दूँगा, क्योंकि ये पेमेंट में जाएगा। ये देखिए रिसिप्ट है, जबकि मैंने पे किया तो मैं पेमेंट में यहाँ पे क्लिक करूँगा, F5 करूँगा, तो ये पेमेंट में आ गया, ये देखिए। अब मैं दोबारा कैश पे देखूँगा तो मेरा कैश नेगेटिव आना चाहिए, देखिए नेगेटिव आ रहा है कैश माइनस में, क्रेडिट मतलब नेगेटिव 100 रुपीज़, ठीक है। अब मैं इसके साथ ही पीएनएल में जाऊँगा, पीएनएल के अंदर, क्योंकि मैंने जो स्टाफ वेलफेयर है वो पीएनएल के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला था, ये देखिए
₹100, और ये आपका नेट लॉस आ रहा है ₹100 का। ठीक है, ये देखिए इंडेक्स में ऐसे आपने कोई भी देखना है तो एंटर प्रेस करके सिंपल आप उस एंट्री को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पर्टिकुलर पीरियड की देखनी है तो आप पीरियड चेंज करके भी देख सकते हैं कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक आपने देखना है। तो ये थी आपकी वाउचर एंट्री सिंपल, और आपको और वाउचर एंट्री में बताऊँगा कैसे वाउचर एंट्री बनती है और हर एक का क्या रोल है, और जनरल एंट्री क्या होती है वो भी मैं अगले नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि जनरल एंट्री कौन सी होती है। अभी आपको मैंने बताया कि पेमेंट वाउचर और शिफ्ट वाउचर एंट्री ये कैसे होते हैं, उसके बाद मैं आपको सेल और परचेज वाउचर एंट्री भी बताऊंगा, और उसके बाद GST का इम्पैक्ट शुरू करेंगे कि GST के अंदर HSN कोड वगैरह कैसे बनाते हैं और 3B आप GST 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर आपको कोई भी वाउचर एंट्री के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।